900 से हजार मौत जो कोविड के कारण हुई है, इसको छुपाने का काम महानगर पालिका मुंबई में धड़ल्ले से किया जा रहा है। मुंबई शहर या महाराष्ट्र में अगर सरकार को आंकड़े छुपाने होते तो इतनी ज्यादा टेस्टिंग किए ही नहीं होते। मई के महीने में 500 मौतें अभी तक दिखाई नहीं गई है। A1 से हमारे जब पेशेंट्स बढ़ रहे थे तब भी हमने जो है टेस्टिंग कम नहीं की। महाराष्ट्र सरकार ने 10 जून को सभी जिला अधिकारियों और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से कोविड-19 से होने वाली मौतों का डेटा देने को कहा था, जिसे रिपोर्ट नहीं किया गया। नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने सरकार पर कोरोना से हो रही मौतों को छुपाने का आरोप लगाया है, लेकिन सरकार ने फडणवीस के आरोपों को नकारा है। सरकार ने कोविड-19 से हुए मौतों के रिकॉर्ड पर ना आने की कुछ वजह सामने रखी है, जैसे कई मामलों में कोरोना टेस्ट का नतीजा मौत के बाद आता है। कई बार सरकारी और निजी अस्पतालों में भी कोविड-19 से मौतों को दर्ज करने में गलती हो जाती है, और कई बार निजी अस्पताल कोरोना से मौत का सर्टिफिकेट मिलने के बाद भी मौत को रिपोर्ट नहीं कराते। इन सब के बाद अब सरकार ने आगे से सभी जिला अधिकारियों और नगर निगमों को कोरोना से हुई मौतों का सही रिकॉर्ड देने को कहा है। ICMR और WHO ने बहुत स्पष्ट गाइडलाइंस दी है कौन सी मौतें कोविड कैटेगरी की होगी और कौन सी नहीं होगी। इसके बावजूद महाराष्ट्र सरकार ने डेथ ऑडिट कमेटी तैयार करके इन गाइडलाइंस के विपरीत गाइडलाइंस निकाली। ये कमेटी मौतों का एनालिसिस करके उनको कम करने की जगह मौत छुपाने की कमेटी के रूप में काम करने लगी। 450 मौतें जो कोविड कैटेगरी की है, इनको नॉन कोविड कैटेगरी में दिखाने का प्रयास किया गया, जो अब खुलासा सामने आया है और अब उसको कोविड कैटेगरी में दिखाना पड़ेगा। इतना ही नहीं, तो मई के महीने में 500 मौतें अभी तक दिखाई नहीं गई है, जून के महीने में 120 से ज्यादा मौतें अभी तक दिखाई नहीं गई है, और नियम के अनुसार 7 दिनों में इसका एनालिसिस करके इनको कोविड पोर्टल पर दिखाना पड़ता है, परंतु इन मौतों को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। 900 से हजार मौत जो कोविड के कारण हुई है, इसको छुपाने का काम महानगर पालिका मुंबई में धड़ल्ले से किया जा रहा है। मैं ऐसा मानता हूं, एक अक्षम्य इस प्रकार का गुनाह यह है, ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। मैं अपील करता हूं, मुंबई को बचाइए और इस प्रकार से काम करने वालों के ऊपर बड़े पैमाने पर कार्रवाई कीजिए। मौत छुपाने की बात करते हैं, एक बात तो सीधी सीधी सरल है कि मुंबई शहर या महाराष्ट्र में अगर सरकार को आंकड़े छुपाने होते तो इतनी ज्यादा टेस्टिंग किए ही नहीं होते। छुपाने लायक महाविकास आघाड़ी के पास कुछ नहीं है, और डे वन से हमारे जब पेशेंट्स बढ़ रहे थे तब भी हमने जो है टेस्टिंग कम नहीं की, उल्टा जब पीक पे आ गए तो हमने टेस्टिंग को ओपन कर दिया। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।